हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग के फ़ोन के अंदर अगर आपको भी डिवाइस मैनेजेड बाय एडमिन ऑटोमेटिकली रिसेटिंग सोनिया वाली प्रॉब्लम आ रही है अपने डिवाइस के अंदर, तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से ठीक करेंगे वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है डिवाइस मैनेजेड बाय एडमिन ऑटोमेटिकली रिसेटिंग सोन, तो फ़ोन हमारी जो है ऑटोमेटिकली रिसेटिंग सोन बताता है। ये नोटिफिकेशन यहाँ से हट नहीं रही है। बेसिकली अगर आपके फ़ोन में ये नोटिफिकेशन आता है तो इसका जो मतलब होता है वो अगर आप देखें तो आपका जो डिवाइस है वो जो है एक तरीके से कोई और कंट्रोल कर रहा है, मतलब एडमिन आपके डिवाइस का कोई और हो सकता है। ये ज़्यादातर उस केस में होता है अगर आप फ़ोन को EMI पर लेते हैं, तो EMI जब तक आप कंप्लीट नहीं करते हैं आपके डिवाइस की कुछ जो है एक्सेस किसी और के पास रहती है जिसने आपके डिवाइस को जो है EMI वगैरह कराया था कंपनी या फिर आपकी जो भी दुकान है शॉप है उसके थ्रू, ठीक है। तो इस वजह से होता है आपका जब तक EMI चलेगा, जब तक आपकी EMI कंप्लीट नहीं होगा डिवाइस यहाँ पे जो है आपका एडमिन कोई और रहेगा, कोई उसको एक्सेस कर रहा होगा, तो यहाँ पे आपको वेट करना है। बाकी अगर आपका ऑलरेडी हो चुका है या फिर आप इसको निकालना चाहते हैं तो आप क्या करना, अपने फ़ोन के नीचे यहाँ पे सेटिंग खोल लेना। सैमसंग के फ़ोन की सेटिंग बता रहा है तो सैमसंग का फ़ोन की सेटिंग आप खोल लेना। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको आ जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे रिसीट का एक ऑप्शन आपको ढूंढ लेना है। अब ये ऑप्शन ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, तो जनरल मैनेजमेंट में आप चले जाना, नीचे आप यहाँ पे रिसीट लिखा है रिसीट पे चले जाना और यहाँ से आपको क्या करना है फैक्ट्री डाटा रिसीट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ से आपको अपने फ़ोन के डेटा को यहाँ पे रिसीट करना है, मतलब पूरे फ़ोन को रिसीट करके देखना है। इससे आपकी जो प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगी। बाकी यहाँ पे उससे पहले लिखा हुआ है गूगल अकाउंट सिस्टम ऐप सेटिंग्स डाउनलोडेड ऐप, ये जो चीज़ें हैं उसका आपको बैकअप कहीं पर ले लेना है। एक बार आप बैकअप ले लीजिए उसके बाद आप यहाँ पे अपने फ़ोन को पूरी तरह से रिसीट फॉर्मेट कीजिए, इससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा।